बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में 8,634 शिप्स गए हैं, जिसमें से 2 कैजुअल्टी हुई हैं। अगर आप इसको कंपेयर करोगे वर्ल्ड की बाकी कैजुअल्टीज से तो ये डेटा बहुत ही कम है, लेकिन इसके बाद भी बरमूडा ट्रायंगल बहुत ही ज्यादा फेमस है। जापान के पास में भी सेम ऐसा ही एरिया है ट्रायंगल शेप में, उसका भी नाम दिया गया है ड्रैगन ट्रायंगल। यहाँ भी 1945 में A6M0 एयरक्राफ्ट का कनेक्शन टूट गया था और लास्ट मैसेज में पायलट सिर्फ यही बोल रहा था कि समथिंग इज हैपनिंग इन द स्काई इज ओपनिंग अप। उसके बाद भी आज तक नहीं पता चला कि वहां पे हुआ क्या था। सेम इसी ड्रैगन ट्रायंगल में 1980 में MV डर्बीशायर, जो बहुत ही बड़ा ब्रिटिश शिप था, वो भी अचानक से गायब हो गया था। ड्रैगन ट्रायंगल का जो एरिया है वो बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही है और इंसिडेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बरमूडा ट्रायंगल को ज्यादा लाइमलाइट मिलती है क्योंकि हॉलीवुड ने जितनी मूवीज बरमूडा ट्रायंगल पे बनाई है उतनी ड्रैगन ट्रायंगल पे नहीं बनाई है, जितनी बुक्स बरमूडा ट्रायंगल पे पब्लिश हुई है उतनी ड्रैगन ट्रायंगल पे पब्लिश नहीं हुई है। यही रीजन है कि बरमूडा ट्रायंगल ज्यादा फेमस है।